सम्मानित उप कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, श्री अखिलेश मिश्रा जी, श्री तारिक फतेह जी, प्रोफेसर एसएन शुक्ला, श्री अशोक मेहता, प्रोफेसर अशोक शुक्ला, देवी सज्जनों, सबसे पहले सौरभ जी का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने ये अवसर उपलब्ध कराया कि जहाँ मैं इस विश्वविद्यालय के इस कक्ष में आप सबसे भेंट भी हो जाए और अपनी जो विषय आपने चुना है उस पर अपनी कुछ बातें भी कह सकूँ। आपने विषय रखा है ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल। एक बात मैं विषय पे एक छोटी सी बात कह के आऊंगा कि एक बात हमेशा जब हम भारतीय परंपराओं की मूल्यों की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो एक बात हमेशा कम से कम मैं अपने दिमाग में रखता हूँ और वो ये है कि इंडियन ट्रेडिशन इज नॉट ए प्रेस्क्रिप्टिव ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन इज हाईली रिफ्लेक्टिव ट्रेडिशन। यहाँ एक लाइन खींच दी है, यही एक रास्ता है, ऐसी कल्पना नहीं है, बल्कि ये गोल है, ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। इस हद तक है, बल्कि अगर ये कहें, आमतौर से लोग इसको उद्धृत करते हैं कि हमारी सभ्यता की यात्रा शुरुआत हुई इस सूत्र के साथ, एकम सर विप्रा बहुधा बदन्ति। सच्चाई एक है, हक एक है, जो उसे जानने का प्रयास करते हैं या जिन्होंने जानने का प्रयास किया है और जो उस तक पहुंचे हैं उस सच्चाई तक, उन्होंने उसका अलग अलग तरह से बखान किया। दुनिया में हम ये तारीफ के लिए नहीं है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। दुनिया ने यह स्वीकार किया है कि भारतीय सभ्यता अपनी निरंतरता के चलते, अपनी जीवंतता के चलते, आज ये सब मानते हैं कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। लेकिन ये वास्तविकता है कि हमसे भी पहले और भी सभ्यताएं थी। आज वो विशेषज्ञों के अध्ययन का विषय हैं, उनकी जीवंतता, उनकी निरंतरता समाप्त हो गई। तो फिर एक सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि ये निरंतरता क्यों है, इस निरंतरता का रहस्य क्या है। दुनिया विकासशील है, डायनामिक है, गतिशील है, हमने कितने युगों को पार किया है। एक ट्राइबल सोसाइटी थी, पेस्टोरल सोसाइटी थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी,
आज की तारीख में हम जिस युग में रह रहे हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी की का युग है, और जिस युग में हम प्रवेश करने वाले हैं या कर चुके हैं या उसकी दहलीज पे हैं उसको ज्ञान का युग कहा जा रहा है, नॉलेज एज आने वाली है। ये भी कह सकते हैं कि आ गई, उसकी शुरुआत हो गई। तो ये कोई चीज है जो ट्राइबल सोसाइटी की जो आवश्यकताएं थी उनको भी पूरा करती थी, पेस्टोरल सोसाइटी की आवश्यकताओं को भी पूरा करती थी, और आज की जो जिस युग में हम जी रहे हैं उसकी भी आवश्यकताओं को पूरा। तो वो क्या चीज, इसमें बहुत किसने क्या आप जोर इस बात पे मेरी समझ से होना चाहिए। हमारे यहां कहा भी गया है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। हमें अपनी दर्द अपनी जड़ों में मूलित रहना है, लेकिन बहने के लिए स्काई इज द लिमिट, चाहे जहां तक ऊपर जाइए, प्रगति कीजिए, विकास करिए, लेकिन बुनियादी चीजों में मूलित रहिए। तो इसको एक बहुत बहुत पावरफुली अरे शक्तिशाली तरीके से उसको अभिव्यक्ति दी गई है कि यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो वो क्या बात है, मुझे लगता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका जवाब दिया है कि क्या बात है। और उन्हीं के शब्दों को मैं पहले प्रयोग करूंगा फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा। आई लव इंडिया, मैं भारत से प्रेम करता हूं। आई लव इंडिया नॉट बिकॉज आई बिलीव इन द आइडोलेट्री ऑफ ज्योग्राफी। मैं भारत से इसलिए प्यार नहीं करता कि मैं मिट्टी की मूर्ति पूजा में, भूगोल की मूर्ति पूजा में विश्वास करता हूं, नहीं। नॉट बिकॉज आई हैड द गुड फॉर्चून टू बी बॉर्न इन हर सॉइल, मेरे प्यार का कारण ये भी नहीं है कि कुदरत की मेहरबानी से मैं इसकी मिट्टी में पैदा हुआ हूं, ये भी मेरे प्यार का कारण नहीं। तो क्या कारण है, तो कहते हैं आई लव इंडिया बिकॉज शी हैज थ्रू ट्यूमल्चुअस टाइम सेव्ड द लिविंग वर्ड्स विच इशूड फ्रॉम द इल्यूमिनेटेड कॉन्शियसनेस ऑफ हर चिल्ड्रन। मैं भारत से प्यार इसलिए करता हूं कि भारत ने उन शब्दों को, गौर कीजिएगा, उन शब्दों को जो उसके संतान की चैतन्य आत्मा से निकले हुए थे, विषमतम परिस्थितियों में उन शब्दों को सुरक्षित करके रखा, उन शब्दों को नष्ट नहीं किया। हर समाज का अपना एक जीनियस होता है, उसकी एक विशेषता होती है। ध्यान रखिए भारत की विशेषता उसका ज्ञान रहा है। दसवीं सदी में जब यूरोप जहालत के अंधेरे में डूबा हुआ था, भारत का तो भारत की किताबें, जो मैंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक यात्रा उसके बारे में राय हो सकती हैं, 3,500 साल 5,000 साल नए जो अन्वेषण हो रहे हैं उसमें अंदाजा लगा रहे हैं लोग कि 10,000 साल से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम उस विवाद में नहीं जाते। 3,500 साल तो हर कोई मानता है, हम वहीं पर रुकना चाहते हैं 3,500 साल। तो दसवीं सदी में जब यूरोप, जो आज दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है,
जब वो जहालत के अंधेरे में, उस वक्त अगर कहीं पठन पाठन का बौद्धिक कार्य हो रहा था तो वो बगदाद था, मिडिल ईस्ट था, और उसके पठन पाठन के जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हैं, जो बौद्धिक कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत कहां से होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे कुरान हकीम है, अब उसमें जो अकीदा है उसके मुताबिक वही आई है। पहली वही जो आई है, फर्स्ट रेवीलेशन, जिसे हम वेदों को कहते हैं ना अपौरुष, यानी इसका जो सोर्स है वो ह्यूमन नहीं है, वो डिवाइन है, तो वो वही अकीदा है। तो उस अकीदे में पहली वही क्या आई है? पहली वही आई है भैया, पहली वही आई है तो क्या आई है? पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो। और अगर कोई साहब को ये ठीक नहीं लगे तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन वास्तविकता है कि पांच वक्त की नमाज जो पढ़ने का हुक्म आया, जो फर्ज हुई है, वो 11 साल बाद हुई। प्राथमिकता किस चीज की हुई? ज्ञान की। और आपने एक, मैं फिर एक लाइन को रेफर कर रहा हूं, एक हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत के नाम से एक नज्म है, उसमें एक लाइन है हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। तो मेरे जैसा आदमी ये समझता था कि हिंदुस्तान हमेशा से हिंदुस्तान का, बल्कि हमारे बहुत से लोगों ने लिखा है कि भारत का असली धर्म आध्यात्मिकता है, कोई धर्म नहीं है भारत, भारत का धर्म है आध्यात्मिकता। तो ये आध्यात्मिकता का देश था, वो हुजूर सल्लम नबी थे, तो उन्हें उन्होंने ये बात। लेकिन जब मैंने पढ़ा जो असल शब्द हैं, असल शब्द हैं अजीदु रीहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं भारत भूमि से ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। और इसी का प्रतिबिंब नजर आता है जो मैंने कहा कि यूरोप तो 10वीं सदी में अंधकार में डूबा हुआ था, बगदाद में हो रहा था, भारत का तो बहुत पुराना है, बगदाद में हो रहा था। तो क्या लिखते हैं अरब हिस्टोरियंस, अरब भी हैं उसमें, दूसरे भी हैं, लेकिन मुस्लिम हिस्टोरियंस क्या लिखते हैं, आप किसी को पढ़ लीजिए, तबरी को पढ़ लें, इब्ने असीर को पढ़ लें, इब्ने कसीर को पढ़ लें, खल्दून को पढ़ लें, जिसको जी चाहे पढ़ लीजिए, पहला अध्याय भारत के बारे में। और क्या है, दुनिया में चार संस्कृतियां हैं। मुझे कभी कभी थोड़ा तालियों से डर लगता है, तो ताली में सोचना समझना बंद हो जाता है और भीड़ बन जाते हैं। भीड़ मत बनिए, सोचिए गौर करिए। दुनिया में चार संस्कृतियां, चार डोमिनियन है। ईरानी अपनी शानो शौकत के लिए जाने जाते हैं, रोमन्स अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, चाइनीज चीन के रहने वाले लोग या चीनी संस्कृति अपने कौशल के लिए, और विधि के प्रति जो उनका सम्मान है राजा के प्रति, उसके लिए वो मशहूर। और चौथा कहते हैं भारत अपनी ज्ञान की परंपरा के लिए मशहूर, ज्ञान की परंपरा। तो हमें क्या पता चलता है इससे, गुरुदेव ने वही बात कही कि मैं भारत से इसलिए प्यार करता हूं कि उसने उन शब्दों को
जो शब्द उसकी संतान की चैतन्य आत्मा से निकले थे, उन शब्दों को उसने विषमतम परिस्थितियों में सुरक्षित करके रखा है। दूसरी संस्कृतियां क्यों खत्म हुई? क्योंकि वो उन शब्द से बड़ा कोई, बाइबल का एक कोट है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज द गॉड। कभी ध्यान करिएगा शब्द काहे से बनता है। अक्षरों के समूह से, और अक्षर की परिभाषा क्या हुई? जो क्षर ना हो सके वो अक्षर। ना अक्षरम मंत्रहीनम न मूलम नौषिधम अयोग्य पुरुषम नास्ति आयोजक योजक स्तत्र दुर्लभा। शब्द में ये ताकत है, इसलिए कि शब्द की उत्पत्ति होती है अक्षर से, अक्षर नष्ट नहीं होता। ज्ञान हम अकेले नहीं है जिनके पास ज्ञान था, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि भारत ने विषमतम परिस्थितियों में उस शब्दों के अक्षर के समूह से शब्द बना, शब्दों के समूह से गद बना, पोएट्री को क्या कहेंगे, कविता बनी, श्लोक बने, और वो कुल मिला के ज्ञान बना। भारत की विशेषता ये है कि भारत ने उन शब्दों को विषमता, ये बड़ा 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 अर्थपूर्ण सेंटेंस है, वाक्य है, विषमतम परिस्थितियां, कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां लाइब्रेरियां जलाई गई। एक जमाना वो था जिसमें हुकूमत करने के लिए ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी तलवार की आवश्यकता। और ये अकेले भारत में नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, हमसे बहुत पहले अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी, जो दुनिया की बहुत ही रिच लाइब्रेरियों में एक थी, उसमें भ्रांतियां फैली किसने जलाई, लेकिन बात को एस्टेब्लिश है कि रोमन्स ने जलाई। तो बहुत ऐसे वक्त दुनिया ने देखे हैं जहां सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ज्ञान को दुश्मन के रूप में देखा, और उसमें उन्होंने ज्ञान के स्रोत को खत्म करने की कोशिश की है। ज्ञान का स्रोत पुस्तकें हैं, ज्ञान का स्रोत वो बातें हैं जो उससे जिनकी उत्पत्ति हुई। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपरा है, वो परंपरा प्रेस्क्रिप्टिव परंपरा नहीं है, ये रिफ्लेक्टिव परंपरा है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। हद है साहब, बिल्कुल। ऋग्वेद का एक सूत्र है, यम विसृष्टि यद आप भू यदि वा दधे यदि वाला यो अस्या अध्यक्षा परमो व्यो बंतसे अंगवेद यदि वा न वेद। ऋषि बैठ के ध्यान में, ये कायनात किसने बनाई है, आप इसे गौर करिएगा, ये कायनात किसने बनाई, सारा कारखाना किसका बनाया हुआ है, कौन इसे चला रहा है, क्या वो चला रहा है जो ऊपर बैठा हुआ है, या उसको भी पता नहीं है कि इसको कौन चला रहा है। अगर आप नॉर्मल कोर्स में देखें तो संस्कृत में तो कोई शब्द है नहीं ब्लास्फेमी के लिए, ये बड़े बहुत मजे की बात है, संस्कृत में ब्लास्फेमी के लिए कोई शब्द है ही नहीं। ईश निंदा या ईश द्रोह, ये सारे शब्द हमने बाद में बनाए हैं अभी हाल के सालों में, चूंकि हमें नकल करनी थी औरों की, तो हमने क्या, हमारे पास भी ऐसे कोई हथियार होने चाहिए, है ही नहीं। क्यों? आपको खुली आजादी दी, सोचिए, गौर करिए,
ये विषय उसको उसकी उसको ये अनुभूति का विषय है। और जब अनुभूति होती है तो क्या होता है, जब उस परम सत्य की अनुभूति होती है तो क्या होता है, ध्यान पे इतना जोर क्यों है। तपा सौ अध्याय निरितम एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, क्यों, क्योंकि ज्ञान माध्यम है परम सत्य को जानने का। परम सत्य क्या है, वो परम सत्य ब्रह्म के रूप में अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वो परम सत्य मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी। एक ऋषि दूसरे से पूछे, अपने जैसे आदमी को झुक के प्रणाम करने की क्या जरूरत है, उनका मैं इस आदमी को नहीं प्रणाम कर रहा, इसके अंदर जो दिव्यता है उसको मेरे अंदर की दिव्यता पहचानती है, मैं उसको प्रणाम। अब इससे क्या नतीजा निकला, इसे एक ही नतीजा निकला, दिव्यता को हमने किसी समूह में, विस्तार में नहीं, बहुत सारे नाम लूं, जाति धर्म वगैरह 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 उसमें जाएंगे, किसी एक समूह के बीच में सीमित नहीं किया। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं, वो कहते हैं द एसेंस ऑफ वेदांता इज दैट देयर इज वन बीइंग एंड एवरी सोल इज दैट बीइंग इन फुल नॉट ए पार्ट ऑफ इट, दिस इज द एसेंस ऑफ वेदांत। वो है तो बहुत जरा हल्की बात, लेकिन उसमें बड़ा मैसेज है। वो कौन सी फिल्म थी कि भाई इंसान तो छोड़ो, यहां तो पत्थर पूजे जाते हैं हर चीज में, क्यों। लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा, जरूरी है बताना है, वरना तो फिर आदमी भटक जाता है। और अभी हमारे मिश्र जी ने एक बात कही थी, बिल्कुल वो बड़ा ही सुंदर उन्होंने एक कोट किया था, एक किसी का एक वाक्य, उसी को ही उससे पहले मैं एक बात और कहूँ कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बताया, उनका माई मिशन इज वेरी सिंपल, इट कैन बी पुट इन फ्यू प्लेन वर्ड्स, चंद शब्दों में मैं अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो बयान कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रीच अन टू मैनकाइंड डियर डिविनिटी एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ लाइफ। मैं पूरी मानवता को, भारतवासियों को नहीं, किसी एक परंपरा से ताल्लुक रखने वालों को नहीं, मैं पूरी दुनिया को, मैं ये बताना चाहता हूं, प्रीच अनटू मैनकाइंड, सारी इंसानियत को बताना चाहता हूं कि उनके अंदर एक दिव्यता है और उस दिव्यता का इजहार, उसकी अभिव्यक्ति उनकी जिंदगी के हर काम में होनी चाहिए। मैं जब स्वामी विवेकानंद से पढ़ता हूं तो मुझे कुरान हकीम की एक आयत याद आ जाती है, फअल हमहा फजूरा बतक्वा, और उसके अंदर बुराई रखी लेकिन उसके अंदर यह सलाहियत दी कि वो उस बुराई से बचकर चल सके। ये हमारी सभ्य, हमारी सोचने के लिए, गौर करने के लिए, गौर करो क्यों। अरे हम आज हमारे साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, दुनिया ने कितनी तरक्की की है, कहा जाता है कि पिछले 50 साल में जो उपलब्धियां हैं साइंस में, ये पिछले 5000 साल की प्रगति पे भारी, और 2007 के बाद जो कुछ हासिल हुआ है वो पिछले 50 साल पे भारी, और जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई है हमने अपनी जिंदगी में ही देखा है। लेकिन इसके बावजूद यूएसए का मशहूर साइंटिस्ट मिशो काकू कहता है अपने एक लेक्चर में, कहता है अभी फिजिकल वर्ल्ड का, वो कहता है मेरा अंदाजा है
कि अभी 3% भी हम नहीं खोज पाए तो हम कहां जाने वाले हैं, जरा उसका तो उसको उसकी आप कल्पना तो कीजिए। ये कैसे संभव है? ये सिर्फ तब संभव है जब आप अपनी सोच पर पाबंदी ना लगाए। मंजिल कोई मंजिल नहीं है, पड़ाव है। यहां पहुंचे अब इससे आगे बढ़ना है। तो पहले तो इसको मैं चाहता था, ये बात पहली बात कहने में इतना टाइम लग गया कि कह रहे हैं कि वक्त हो गया, लेकिन एक दो बातें और कहना। अब आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं भगवान राम को हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम जी। ईमानदारी से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्यों आखिरकार हम इतना जिक्र करते हैं कि भगवान राम ने शबरी के छोटे बेर खाए? क्यों इतना जिक्र करते हैं इस बात का? इसलिए कि उस वक्त की जो मर्यादाएं थी उसके अनुसार नहीं था कि वो झूठा बेर खाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा तोड़ रहे थे अपने आप से। सवाल मैं कह रहा हूं, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है हिंदुस्तान में, इस पर गौर कीजिए। नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी मर्यादा थी दूसरे का दिल रखना। और दिल भी सबसे ज्यादा उसका रखना जो सबसे कमजोर है। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर। एक दिल को रखना 100 हज करने से ज्यादा है, 1000 काबे से ज्यादा है एक दिल को रखना। दिल रख रहे एक गरीब कमजोर औरत अपनी अकीदत में अपने प्यार में सारी मर्यादा भूल गई थी। वो हर बेर को चख के देखना चाहती थी कि मेरे अकीदत के मरकज को जो मैं बेर खिलाना चाहती हूं वो इस लायक है कि नहीं है कि मैं उसको खिला। और वो उसे स्वीकार कर रहे थे। तो उनकी के लिए सबसे बड़ी मर्यादा थी दूसरे का दिल। आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं, पर मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूं जो शायद अगर मुझे सही याद है तो आनंद रामायण से। आनंद रामायण का आप जानते होंगे, या तो ये तो अयोध्या नगरी। आनंद रामायण के रेफरेंस मिलते हैं, चूंकि जब वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण पूरी कर ली तो एक दिन टहलते हुए नारद जी पहुंच गए। नारद जी तो ऐसे ही काम करते हैं। तो नारद जी ने कहा, यार तुम्हारी रामायण तो अच्छी है पर आनंद रामायण इससे वो बहुत अच्छी है। तो उनका वो कहाँ मिलेगी? उनको फला जगह केले का बाग है, वहां पे जाओ, वहां पे है। तो हनुमान जी की लेकिन तो अब ये पढ़ के इनके विचारों का चेहरा मुरझा गया। तो इनके दिल में ये विचार आया कि यह इस रामायण के होते हुए मेरी रामायण को कौन पढ़ेगा। और ये हनुमान जी ने पूछा इनसे, तो इन्होंने भी बात कह दी। तो उन्होंने अपनी पूंछ घुमाई और सारी साफ कर दी। भाई ये क्या किया, ये क्या किया? उनका भाई मैंने तो अपने स्वामी का यशगान करने के लिए लिखा है, तुमने अपना नाम करने के लिए लिखा है, तो मैं इसे खत्म कर दे रहा हूं। लेकिन उसके कुछ हिस्से रह गए। अब उस हिस्से में ये है, इसे गौर कीजिएगा, ये सिर्फ हंसने की बात नहीं। भगवान राम लंका, तब श्रीलंका नहीं था, लंका से वापस आ गए। राम राज्य स्थापित हो गया, दरबार में बैठे चहु और सुख समृद्धि, दरबार में बैठे हुए हैं। एक कुत्ता आता है। अब मैं एक ऐसा कहानी में एक शब्द है, इसलिए मैं पहले हम महंत रामदास जी यहाँ बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूँ कि मुझे वो शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। और उनका मेरे ऊपर आज से नहीं बहुत सालों से बड़ी कृपा और बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर। वो कुत्ता आता है और रोता है और कहता है मुझे फला मंदिर के महंत ने बहुत जोर से डंडा मारा। तो वो शिकायत करता है, शिकायत की जांच कराई जाती है।
जब जांच कराई जाती है तो ये पाया जाता है कि शिकायत सही है। तो भगवान उससे कहते हैं तुम बताओ क्या सजा दी जाए उसको। और करिएगा, इसमें बड़ा भारी सबक है इसमें, सिर्फ हंसने का नहीं। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि तुम्हारी शिकायत सही है, तुम बताओ क्या सजा दी जाए, जो सजा तुम कहोगे वो दी जाएगी। तो कुत्ता कहता है कि इसको महंत के पद से हटा के और मुख्य महंत बना दीजिए। वन ऑफ द प्रीस्ट एंड द डॉग इज आस्किंग दैट यू अपॉइंट हिम एज द चीफ प्रीस्ट ऑफ द सेम टेंपल। कर दिया गया। अब जो वहां दरबारी बैठे हुए थे, जब ये कुत्ता लौट के जाने लगा तो दरबारियों ने कहा कि भाई तुम सजा दिलाने आए थे या पदोन्नति कराने आए थे? तो उसने कहा कि पुराने जन्म के किसी पुराने पाप के कारण मुझे ये बनना पड़ा है, लेकिन मेरे पुण्य भी इतने हैं कि मेरी आत्मा इस शरीर में भी चैतन्य आत्मा। तुम मानव देह में हो, तुम्हारी आत्मा चैतन्य नहीं। मैं पिछले जन्म में मुख्य महंत था, और जब मुख्य महंत आदमी होता है और जवाबदारी नहीं होती है तो वो ऐसे काम कर गुजरता है जिसका परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। मैं इसे छोटी सजा क्यों दिलवाऊं? मुझे अगर ये झेलना पड़ रहा है तो मैं चाहूंगा ये ही झेले, ये थोड़ा सा सजा हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसमें बड़ा भारी सबक है। और ये एक और श्लोक है जिससे बिल्कुल साफ हो जाता है। जिस वक्त भगवान राम सीता जी, मां सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए जा रहे हैं, उस वक्त लक्ष्मण जी अपना धैर्य खो बैठते हैं और अपने पिता के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो नहीं कहे जाते। बड़े भाई उन्हें रोकते हैं और कहते हैं लक्ष्मण कान खोल के सुनो, दहो मिति या बुद्धिर विद्या सा प्रकीर्ति तथा ना हम देहश्ची दात में बुद्धि विद्येति भन्ने। जो ये जानता है कि मैं ये शरीर हूं वो अविद्या का शिकार, और ये जो ये जान गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, उसके पास विद्या। यानी जंगल में जाके जो कष्ट झेलने हैं वो तो इस शरीर को झेलने हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोह, मदो ने मैंने मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो, न कामो न मोक्षा, चिदानंद रूपा शिवामि। जिस दिन वो ज्ञान, वो विद्या, वो चीज है कि जब आप वहां पे पहुंच जाते हैं, जब आपको वो अनुभूति हो जाती है, फिर सारी दुई मिट जाती है, फिर कोई दूसरा नजर नहीं आता। द्वैत यादा वै भय भक्ति, जिसे दूसरा समझो उससे डर लगेगा, ये उपनिषद कह रहा है। और इब्ने खल्दून ने कहा कि जिससे डर लगेगा उससे नफरत पैदा होगी, और जिससे नफरत पैदा होगी तो हिंसा होनी होगी। और हजरत अली का कौल है अन्नास आदा उमा जहिल, लोग उस चीज के दुश्मन बन जाते हैं जिसको वो जानते नहीं। यहां पे समझ में आता है कि भारत में ज्ञान का की परंपरा का इतना महत्व क्यों है। ये अज्ञान है जो दुई का भाव पैदा करता है। जिस दिन ज्ञान आ जाता है उस दिन तो कपिल मुनि, ज्ञान आने के बाद एक और जब वो अनुभूति हो जाती है तो हमारी परंपरा हमें ये बताती है कि भूख पैदा होती है। भूख पैदा होती है उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने की।
कपिल मुनि को जब जब उस कपिल मुनि जब उस स्टेज पे पहुंचे तब उनके अंदर एक भूख जागी। ये उपनिषद में भी आया तपा क्या आप छात्र हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो आप रात को आपने तय किया हुआ होगा कि मुझे 2 बजे सुबह उठ के पढ़ाई करनी, ये तप। आप एक कुछ अपने ऊपर अनुशासन लागू करते, आप कुछ खुद से कुछ चीजें स्वीकार करते कि ये तकलीफें मैं उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा? कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो पूछा तप क्या है, तप इज स्व अध्याय एंड प्रवचन। पहले ज्ञान वो अनुभूति प्राप्त करना और उसके बाद उसको दूसरों के साथ साझेदारी करना। भूख पैदा होती है तो कपिल मुनि को वो अनुभूति हो गई। अब उन्हें भूख पैदा हुई कि किसके साथ उसकी साझा करनी, तो नजर दौड़ाई कोई था ही नहीं। माता बैठी हुई थी सामने, माँ को कहा यहाँ आओ, माँ को सामने बिठाया। और वो बहुत मशहूर है हमारे यहाँ कपिल देव आहुति संवाद, मुझे उसका एक श्लोक है। कमाल, ये जो इतनी किताबें ये मत समझिए इसमें अलग अलग बातें बयान की गई, एक ही बात को मुख्तलिफ तरीकों से समझाने की कोशिश की गई। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, बात एक ही है। सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परप्रेरणम। बात तो सिर्फ इतनी सी है, दूसरे को तकलीफ दोगे ये गुनाह है और दूसरे के काम आओगे तो ये सवाब है, ये पुण्य का काम। बात तो सिर्फ इतनी सी है। अब कपिल मुनि का वो जो एक श्लोक जिसका मैंने जिक्र किया उसमें क्या कह रहे, अथमाम सर्वेशु भूतेशु भूतात्मानम कीर्ता लायम अर्चाए दान मानाभ्याम मैत्री अभिनय चक्षुषा। हर किसी के जिसे तुम देखो उसको मान लो कि उसमें मैं, उसकी देह में मैं निवास करता हूं। हर इंसानी जिस्म मेरा मंदिर है, उसको उसी आदर भाव के साथ देखो। मैं वहां रह रहा हूं तो उस आदर भाव के साथ देखो, और जहां तक संभव हो सके जो तुम्हारी ताकत में उसकी जो जायज जरूरतें हैं उनको पूरा करने में मदद करो। अभिन्न मैत्री चक्षुषा, और तुम्हारी जो आंख में जो जिस आंख से तुम देखो उसमें मैत्री का भाव हो और वो आदर का भाव हो और सबके लिए समान हो। मैं कहता हूं आपको गवर्नेंस नहीं, अकेले गवर्नेंस, गवर्नेंस हिंदुस्तान में हमारा इतिहास ये बताता है कि लंबे समय तक गवर्नमेंट का प्रभाव तो शहरों तक सीमित था। भारत तो गांवों में रहता था, फिर भारत में क्या अराजकता थी? कभी भी नहीं थी भारत में अराजकता। दुनिया में हम ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं, अंग्रेजी में एक फ्रेज है Enforcement of the unenforceable। पुलिस के जरिए कानून नहीं लागू होता था, स्वयं लोग लागू करते थे कानून अपने मर्यादा के अंदर। मर्यादा और कोई चीज थोड़ी, एक तरीका है मर्यादा में रखने के लिए पुलिस को डंडा चलाना पड़ता है। भारतीयों की परंपरा है कि पुलिस के डंडे से मर्यादा में नहीं रहते थे, मर्यादा में अपनी मर्जी से उस मर्यादा का सम्मान करते थे। हमारे गांवों में अराजकता नहीं थी। अभी पिछले जमाने में भी जब बादशाहों की हुकूमतें थी तो भी नहीं थी, तो वो गवर्नेंस अपने खुद को गवर्न करना ये कहां से आई? ये हमें यहां से आई, जो आज आपने आज टॉपिक रखा और इसके साथ में बात खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।